सभी स्टेट के आप आया तो हम इतना ही खुशी नहीं ले रहे अभी हम लोग दोनों भाई है। दादी अंदर है जो खाना बनाया था, दादी ने भात बनाया था तो बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है। बहुत अंधेरा है, देखो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये कैमरा भी नहीं पकड़ता क्या इतना अंधेरा? वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल राइडर्स एप एक्सप्लोर। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? फिर से ब्लॉग बन रहा है। बहुत ही सरप्राइजिंग अचानक ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश MP से आया हुआ है। वो साइकिलिंग से पूरा भारत, पूरा ऑल इंडिया जर्नी कर रहा है। कल वो सोबीमुरा में रुका था, वहाँ पे एक रात रुका, फिर इधर ओमपी की तरफ चला आया। अमरपुर से बाई रोड फॉरेस्ट के अंदर एक रेस्ट हाउस है, जिस रेस्ट हाउस पर अभी रहने के लिए हमने बंदोबस्त किया। पहले तो हमने पुलिस स्टेशन में गए थे, बातचीत किया वहाँ पे, बाद में हम मार्केट गए थे, होटल में गए। होटल में जाने के बाद वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि होटल का जो मालिक है उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया खाना खाने के बाद उनके लिए। वो भी बोल रहे थे और उसे भी बहुत खुश था, तो वहाँ पर भी पैसा नहीं देना पड़ा। तो पहले तो हम कंफर्म किए थे कि जो यहाँ के एक TSR कैम्प है वहाँ पर ही रहने के लिए बात हुआ था, जो अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो बाद में हमारे एक भाई है, उन्होंने बहुत फुल्ली मदद कर रहे हैं। उन्होंने फिर से फॉरेस्ट की तरफ में बात करके यहाँ का जो रेस्ट हाउस है यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूम है ये उन्होंने दिलवाई है। और यहाँ की सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाईसाइकिल से शुरू करके आपको दिखाएंगे और थोड़ा बात भी करेंगे उनके साथ, कैसे उन्होंने बाईसाइकिल से राइड करने के लिए पूरा इंडिया टूर जाने के लिए उन्होंने चुना। देखो ये है मेहुल भाई का बाईसाइकिल, बिना इंजन के, कोई मोटर चीज़ नहीं है यहाँ पे, बस गियर वाला बाईसाइकिल है। ऑल इंडिया जाने के लिए उन्होंने आज से तकरीबन 2 साल पहले स्टार्टिंग की थी, 21 जून 2021 में। हेल्थ, नेचर, कल्चर, हिस्ट्री को लेकर अवेयरनेस के लिए इंडियाज़ नंबर 1 साइकिलिस्ट है वो। मेहुल भारत यात्री के नाम पे आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। साइकिल क्रांति को लेकर वो पीछे की तरफ देश की तिरंगा लहराकर निकल गया था आज से करीब 2 साल पहले 2021 में। तो अभी हम उनके साथ कुछ बात करके देखेंगे उन्होंने कितना राज्यों का सफ़र किया है। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर भैया। तो हम भैया से थोड़ा बात करेंगे, पहले कहाँ से शुरुआत की थी? मैं MP में टीचर था, तो जब कोरोना का समय था तब हम देखते हैं कि सब बंद थी, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह। तो तब फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिया टूर पर निकलना है हेल्थ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मैं मेरा सब्जेक्ट भी था सोशल साइंस और हिस्ट्री, और बीच में फिर मैं योगा भी करवाता था। कोरोना फर्स्ट वेव में मैंने योगा करवाया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला था कि भाई हेल्थ अच्छा रहता हमारा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। तो मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। बचपने में साइकिल चलाई थी, फिर बड़े होने में, लेकिन फिर मैंने ठीक है देखते हैं जो होगा। तो 2 दिन पहले साइकिल उठा खरीदी नहीं और निकल पड़े। वो क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगता पता ही नहीं था, क्योंकि साइकिलिस्ट क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या इक्विपमेंट लगता है। पहले चलाया भी नहीं आपने? बहुत कम, वो बचपने में छोटी साइकिल चले के दौड़ाते थे, फिर बड़े हुए, और फिर बड़े होने के बाद इंसान साइकिल कौन चलाते हैं आजकल, शर्म आता है, लोगों को बाइक चाहिए, कार चाहिए, तो और ज़रूरत भी नहीं थी। तो इस कारण से ही फिर चलता रहा, फिर अचानक से ये सब चीज़ डिसाइड हुआ और फिर निकल पड़े। तो बहुत ज़्यादा चैलेंज शुरू के 21 जून 2021 था, और मध्य प्रदेश से स्टार्ट की अपनी जर्नी। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, कहाँ से इंस्पायर हुआ आपको साइकिल से ही निकलना है? यही था कि भैया मैं अच्छे से देखना चाहता था भारत को, तो मैं घूमना चाहता था, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी था, नहीं तो फिर ऐसा हो कि बाइक से फिर इंसान 200 500 1000 किलोमीटर भी एक
करना चाहे तो इंसान एक दिन में कवर कर सकता है। सही बात। तो वो बीच का जो डिस्टेंस है वो फिर भी अच्छू मिस हो जाता। हाँ। और बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, तो इस कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना साइकिल से निकलें, देखते हैं कम से कम। पहले तो कभी किया नहीं था, क्या हो क्या नहीं हो वो जाने के बाद ही पता चलता, तो आखिर निकले और फिर चलते जा रहे हैं। और आपने निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट किया, जो जो हेल्थ और कुछ क्या था वो, नेचर कल्चर हिस्ट्री, उसी को क्यों चुना आपने, कहाँ से मतलब वो इंस्पायर हुआ? चुनने क्या है कि सबसे बेसिक, सबसे और भी तो बहुत सारा कैटेगरी था। क्या होता है कि आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। वो कोरोना के समय में भी हमको यही समझ में आया कि भाई हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो तभी से फिर हमने डिसाइड किया कि भाई हेल्थ को ही मेन मुद्दा बनाया जाए और उसी इशू को लेकर निकला जाए। तो हेल्थ आपको नेचर से जोड़ता है, नेचर आपको कल्चर से जोड़ता है, कल्चर से जुड़ते हो तो आप हिस्ट्री से जुड़ते हो। तो बेसिक सी बात है, हेल्थ नेचर कल्चर हिस्ट्री, इस प्रकार से पूरे भारत में साइकिल क्रांति के माध्यम से और नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत का जो मेरा एक ड्रीम है वो लेकर मैं निकला हूँ और लगातार चल रहा हूँ। तो 16 स्टेट में 39,000 किलोमीटर की जर्नी कर ली है और अभी और बहुत ज़्यादा तकलीफें सहनी बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। खाने पीना, रुकना, दिन है रात है, मौसम अलग अलग, इवन ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे कभी सोचा नहीं था, जैसे तवांग में इंडिया चाइना बॉर्डर है वहाँ तक की, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, माइनस डिग्री से भी कम सेल्सियस होता है। उसके बाद फिर जुको वैली होके आया नागालैंड, वहाँ का भी सिचुएसन है। ऐसे ही मणिपुर के कुछ भाग करके आया है, फिर अभी इधर त्रिपुरा आए हुए हैं और असम भी किया है। तो नॉर्थ ईस्ट के तीन से चार स्टेट हो गए हैं, अब दो बचे हैं। उसके बाद फिर उत्तर भारत की ओर बढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत, ऐसे पूरे भारत। सेंटर तो हमने पूरा कवर के लिया, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, दमन द्वीप है और राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर असम और फिर अरुणाचल, नागालैंड और फिर मणिपुर, नहीं अपना मणिपुर में कुछ एक भाग, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद फिर वापस से असम होते हुए यहाँ पे आए त्रिपुरा, अब यहाँ से मिजोरम जा रहे हैं, मिजोरम से मेघालय करेंगे, मेघालय के बाद फिर उत्तर भारत की ओर बढ़ेंगे, जम्मू की ओर, फिर उत्तर भारत पूरा हो जाएगा, तो फिर दक्षिण भारत से पूरा भारत, ऑल इंडिया साइकिल जर्नी। कितने साल हुआ था अभी रनिंग कंटिन्यू? 2 साल हो गए हैं, जैसे आज चौथा पाँचवा दिन चल रहा है, 2 साल प्लस 4 दिन, ऐसा 5 दिन। तो अभी और कितने साल चलना है आपको? अभी 1.5 साल और लगेगा, क्योंकि अभी लगभग 50 हुआ है। अच्छा। भारत और आधा बाकी है, क्योंकि शुरू में ज़्यादा समय लगता है, फिर जैसे जैसे आप जानने लग जाते हैं तो थोड़ा सा फास्ट भी होता है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है वो चीज़ें आप नहीं करते हैं, तो फिर जल्दी होता है, बाकी सब चीज़ों पर ज़्यादा समय देते हैं। तो अब इस कारण से ही कोशिश करते हैं कि 1.5 साल में वो बाकी का जो भारत है वो पूरा हो जाए। अभी त्रिपुरा में जब से आए था ना, तब से त्रिपुरा में आपको आने के बाद कहीं पर आपको स्पेशल आपको स्वागत किया गया था? हाँ, मैं एक्चुअल में स्कूल वगैरह में जाता हूँ, तो अगरतला में मैं गया था 2-3 स्कूलों में, और सबसे बड़ा जो अपना जो यूनिवर्सिटी है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो अगरतला में वहाँ पर ही मैं एक दिन रुका था और योगा डे के दिन मैं स्पेशल गेस्ट था वहाँ का। हाँ, तो मुझे वहाँ पर लोगों ने वहाँ पे योगा किया सबके साथ में, उसके साथ साथ में मेरा स्वागत किया और लोगों ने मुझे गमछा, क्योंकि हम अवेयरनेस के लिए निकले 21 जून 2021 से निकले थे। हाँ, इसके पहले हम नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में थे नागपुर में पिछले योगा डे में, वो भी यूनिवर्सिटी सेंटर इंडिया की, और ये दूसरे योगा डे में यहाँ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में थे। अब अगला पता नहीं कहाँ हो, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो। तो ऐसा पूरे भारत की जर्नी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करते हैं हेल्थ के लिए। तो अभी त्रिपुरा में जितना दिन आपने साइकिल से चलाया, साइकिल चला के जितना घूमा, घूमते वक्त आपको इतना मतलब पहाड़ों में आपको जो बहुत सारे जगह पर पहाड़ आ जाते हैं ना, वहाँ पे किस तरह का मतलब फेस किस तरह का करना पड़ता है? एक्चुअली यहाँ इतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं पहले ही ये अपना अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड कर लिया है, तो अब वो एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यहाँ पे आई थिंक उतने बड़े नहीं है जितने पहाड़े और जितने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर है। यहाँ पे कर
थोड़े बहुत है तो वो इतने प्रॉब्लम्स नहीं देते हैं, बस ऐसा मौसम का थोड़ा सा बस सपोर्ट मिले तो कवर हो जाता है। अच्छा। बाकी कहीं कहीं मौसम ख़राब हो जाता है तो थोड़े से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वहाँ रुकने उकने की कहीं पे छाँव रुकने की, जैसे कि बारिश हो रहा है तो पूरा भीग जाते हैं, बीच में जंगल आते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं पर ऐसा हुआ त्रिपुरा में कि अचानक रात हो गए, कहाँ जाओ कुछ इस तरह का सिचुएशन, जैसे आज हुआ ना कि भाई सोचा था तेलीमुरा तक पहुँच जाए तो वहीं से ही लेट हो पाया, क्योंकि हम छबीमुरा गए थे जहाँ बहुत सुंदर डेस्टिनेशन पॉइंट था, वहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था, गंगा जी वहाँ के जो मैनेजर हैं उन्हें हमारी व्यवस्था करवाई थी। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले सब कुछ व्यवस्थित मोबाइल वगैरह चार्ज करके, उसके बाद फिर चूँकि समय ज़्यादा हो चुका था तो बस ये गाँव में आपके गाँव में पहुँचे, और क्योंकि आगे हम देख रहे थे रूट में तो वो आगे जंगल वगैरह भी था और रात भी हो चुकी थी, तो बेसिक सी बात है चलना सेफ नहीं था। तो इतने में आप लोगों ने आवाज़ लगाई हमें कि भाई आप कैसा क्या है, तो आपको हमने सब जानकारी दी, तो फिर आपने कहा कि भाई हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, आपको रुकने और भोजन की व्यवस्था हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की, और आपने कोशिश की और देखो हमारे खाने की और आपने रुकने की व्यवस्था करवा ली, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो चले, वो तो होगा, हम तो सब कोई करता है ऐसा। जी जी। तो आपका चैनल की मेरे चैनल को तो बाद में करना, क्योंकि भैया के चैनल को पहले करना, क्योंकि भैया को सपोर्ट, क्योंकि हम लोग इनके कारण ही बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमको अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास कुछ रहता नहीं है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं तब जाके हम आगे बढ़ पाते, नहीं तो हमारा एक स्टेप भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, उसके बाद फिर जब समय मिले तो हमारे भी चैनल को, मेघुल भारत यात्री चैनल है, इसमें यूट्यूब फेसबुक इंस्टा आप देख सकते हैं, हमारी पुरानी जर्नी नई जर्नी सभी लोग फॉलो करो, जर्नी कुछ ना कुछ आपको देखने को सुनने को सीखने को मिलेगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन।